गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के इलाज की स्थितियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा 500 बेड के बन रहे बाल संस्थान के भवन में 300 बेड का नया कोविड-19 अस्पताल 30 अगस्त तक हर हाल में करे तैयार। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में सादगी और श्रद्धा के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उतारी आरती, झुलाया झूला। प्रदेशवासियों को दी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिपराई थाना क्षेत्र में छेड़खानी से तंग आकर 16 साल की छात्रा ने की खुदकुशी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शोहदे हरीश, सह आरोपी शोहदे के पिता चंद्रिका और मां उषा को किया गिरफ्तार। सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने दी जानकारी, कहा पुलिस को खुदकुशी की घटना होने के बाद दी गई जानकारी। 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवास के दूसरे दिन की गौशाला में गायों की सेवा। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद लखनऊ के लिए किए प्रस्थान। गोरखपुर में टूटा कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकॉर्ड। जिले में 323 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 5 की हुई मौत। जिले में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या हुई 4,397। अब तक 76 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 2,101 हुए एक्टिव कोरोना मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। पार्षद एवं सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष शहाब अंसारी की पत्नी ने सपा नेता जफर अमीन डक्कू पर अपने पति के जान माल का खतरा का लगाया आरोप। कोतवाली थाने में तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। जबकि सपा नेता जफर अमीन डक्कू ने आरोपों को किया खंडन, कहा किसी के पारिवारिक मामले से मेरा नहीं है कोई वास्ता। जनपद के कोरोना के द्वितीय नोडल अधिकारी व विशेष सचिव सिंचाई ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित कोविड-19 की रोकथाम हेतु इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, कहा व्यवस्थाएं बेहतर, जल्द होगा कोरोना का खात्मा। और कांग्रेस पार्टी के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने किया स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों की बिजली बिल और उनकी आय को दुगुना करने की मांग।